In this class today we are going to discuss class 10th English book 2nd for put front without feet. प्यारे स्टूडेंट एमपी बोर्ड और इंग्लिश मीडियम वालों, आज की क्लास में हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश की बुक नंबर 2nd जिसको बोलते हैं फुट प्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1st है जिसका नाम है अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर में हम समझेंगे इस पूरे क्वेश्चंस के बारे में, चैप्टर के बारे में, इसका नाम क्यों है और कंप्लीट डिटेल मैं इसके आपको दूंगा। तो बहुत ध्यान से तरीके से इस समरी को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट बात, चैप्टर नंबर 1st अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, इसके जो ऑथर है, इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट। अब बात यह है कि सर सबसे पहले हम जो हमेशा डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी जो हमें सिखाना चाहती है कि आर ट्रायंफ ऑफ सर्जरी व्हाट, क्वेश्चन लगाएंगे आपके आर ट्रायंफ ऑफ सर्जरी क्या है, तो हम बोलेंगे एक चैप्टर है जिसके बारे में यहां पर किसी चीज का एक सर्जरी हो रही है और उसके बारे में हमें बताया गया है। तो आर ट्रायंफ ऑफ सर्जरी क्या है, एक चैप्टर का नाम है। फिर दूसरा, वाई इस चैप्टर का नाम, यही नाम क्यों रखा आर ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं बेटा कि इस जब स्टोरी को आप कंप्लीट समझोगे तो लास्ट में समझ में आती है कि जो एक डॉग रहता है बहुत फैटी टाइप का रहता है, मोटा, उस डॉग का इलाज है, एक डॉक्टर इलाज करते हैं जेम्स हैरियट डॉक्टर साहब। उस डॉक्टर ने जब इलाज किया और इसकी मालकिन है मिस्ट्रेस पम्फ्री, तो जब उसका इलाज हो गया टर्की का डॉक्टर डॉग का, तब जब उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तब उसकी जो ओनर है या मालकिन है डॉग की, वो बोलती है इट्स ओके इट्स फाइन एंड इट इज़ अ विक्ट्री या फिर अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी या दिस इज अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, कि ये भैया सर्जरी पर एक जीत है। कि फाइनल जब चैप्टर को अपन एंड करते हैं तो लास्ट में हमें मालूम चलता है कि इसमें क्या लिखा रहता है कि सर्जरी पर जीत हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो उसका डॉग सही हो जाता है, इसलिए हमने ये चैप्टर का नाम रखा है ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। ठीक है, अब दूसरी लास्ट क्वेश्चन, हाउ यानी कैसे, कैसे ठीक होता है। अब उस कैसे को हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे कि क्या होता है। अब क्लियर कट समझ में आया कि ट्रायंफ ऑफ सर्जरी चैप्टर का नाम है, इसमें किसी एक एनिमल है उसका इलाज होता है, उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है यानी सफल हो जाती है, उसका इलाज सफल हो जाता है, इसलिए उसका नाम है कि भैया सर्जरी पर यानी उसके इलाज पर क्या हो जाती है, उसकी विजय या फिर जीत। अब हम समझते हैं अपने चैप्टर को, बुक का नाम क्या है, फुट प्रिंट विदाउट फीट। कहानी की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी प्यारी कहानी, इंटरेस्टिंग है, हंसी मजाक के साथ हम इसको समझेंगे, बड़ा मजा आएगा समझने में। सो लिसन टू मी, एक रिच लेडी रहती है, एक अमीर घर की एक अमीर महिला रहती है रिच लेडी, और उनका नाम है मिस्ट्रेस पम्फ्री। अगर कोई इंसान है तो मिस्टर लगाएंगे, आदमी है तो, और महिला है तो मिस्ट्रेस। तो मिस्ट्रेस पम्फ्री कौन है भैया, रिच लेडी, एक अमीर महिला है। ठीक है, अब ये जो महिला है ना, इनके यहाँ एक डॉगी है यानी एक कुत्ता है, उस कुत्ते को प्यार से क्या बोलती है, ट्रिकी। क्या बोलती है बेटा, ट्रिकी, प्यार से उसको बोलती है ट्रिकी। ठीक है, बड़ी प्यारी कहानी है, मजा आएगा समझने में। देखो ये कैसा, एक अलेजी डॉग, बहुत आलसी और बहुत मोटा है, ये कुत्ता बहुत मोटा है, बहुत आलसी है, नाम है इसका ट्रिकी। क्यों भैया मोटा, क्योंकि इसके जो मालिक है ना इस कुत्ते को बहुत प्यार करती हैं, बहुत लाड़ प्यार से रखती हैं इस कुत्ते को। तो क्या होता है भाई, जब लाड़ प्यार ज़्यादा हो जाता है तो समझो जब इस डॉग को ज़्यादा से ज़्यादा जैसे चॉकलेट हुई, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें वो खाता है, जैसे डॉग को फैसिलिटी कितनी मिली, बहुत सारी फैसिलिटी डॉग के पास हैं, जैसे कि उसकी अलग अलग ड्रेसेस हैं, रेन कोट भी है उसके पास, कोट वगैरह ड्रेसेस हैं, वो उसके लिए अलग से वो अंडे वगैरह खाता है तो एग्स हैं, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, ड्रिंकिंग के लिए उसके लिए लिक्वर भी है, एल्कोहल भी है उसके पास, टॉयस हैं, खिलौने हैं उसके खेलने के लिए, और मज़ेदार बात है उसके पास पर्सनल उसका बेडरूम भी है, एक बढ़िया से मस्त रूम है, और डॉग की ज़िंदगी इंसानों से मस्त है। मतलब इंसान भी अगर इस कहानी को, इस चैप्टर को पढ़ेगा तो उसको लगेगा यार जब इतनी फैसिलिटी एक डॉग को मिले वो भी कोई काम नहीं कर रहा है, तब वो सोचेगा यार इंसान से बढ़िया डॉग ही बन जाए। तो ये इतनी फैसिलिटी किसको मिली है, डॉग को, जब इतनी फैसिलिटी उसको मिल रही है तो डॉग धीरे धीरे कैसा बन गया, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, और जब ये मोटा हो गया यानी ये फैटी हो गया, एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन उसके बेसिस पर कि भैया डॉग के मतलब किस तरीके की कंडीशन है। तो देखो उसकी मालकिन उस डॉग को बहुत ज़्यादा क्या फैटी चीज़ खवा रही है यानी बसा वाली चीज़ें,
तो उसकी वजह से डॉग क्या बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जब वो थोड़ा थोड़ा भी चलता है तो हाँपने लगता है, जैसे जीभ लटकाने लगता है, और उसकी जो आंखें हैं ना वो लाल लाल सी हैं, क्योंकि क्या वो पूरे दिन भर डला रहता है, बैठ रहता है या सोता रहता है, तो आंखों पर उसकी ब्लड ऐसा छाया रहता है लाल लाल कलर का, और बहुत मोटा हो गया है। ठीक है, अब सुनो। तो भैया एक समय की बात है, मिस्टेस पंपरी उसको क्या वॉकिंग करा रही है, किसको, डॉग को, घुमाने ले आ रही है ऐसे रोड पर, कहीं पर भी रोड पर। अब यहाँ भाई साहब डॉक्टर साहब घूम रहे हैं, कौन, जेम्स हेरियट। और हेरियट डॉक्टर जब मिला उसने कहा मैडम, क्योंकि डॉक्टर है तो वो तो समझ गया, उसने कहा मैडम क्या कर रही हो, कुछ नहीं, के कुत्ते को टहला रही हूँ। उसने कहा ये कुत्ते की डाइट है ना, थोड़ा डाइट को क्या करो, कंट्रोल करो। क्यों, क्योंकि आपका कुत्ता धीरे 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 क्या हो रहा है, बहुत फैटी होता जा रहा है। तो डॉक्टर ने सलाह दी, लेकिन मैडम ने उसको क्या किया, इग्नोर किया, बोली कोई दिक्कत नहीं है, हो जान दो मोटा होगा तो। ठीक है भाई, अब देखो डॉक्टर जेम्स हेरियट एक कौन है, एक सर्जन है, एक डॉक्टर है। ठीक है, इस कहानी में अब कुछ समय की बात है, तो एक दिन इस मैडम ने डॉक्टर साहब को क्या किया, फोन लगाया। क्यों लगाया भैया फोन, मिस्ट्रेस पंपरी ने किसको, जेम्स हेरियट को, कि डॉक्टर साहब हमारा कुत्ता है उसकी तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं क्यों खराब हो गई है, लाइट को ऑन कर दीजिए, उसको फैन ऑन कर दीजिए, तो इसकी तबीयत खराब हो गई है, तो आप इसका कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान बताइए। तो उसने कहा कि चलो इसका समाधान अपन करेंगे, उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। तो उसने कहा कि भाई ये काम करना पड़ेगा मैडम, आपको कम से कम 2 वीक के लिए या 15 डेज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, और जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा तो मैं इसको सही कर दूंगा। तो मैडम ने कहा ठीक है भैया। अब मैडम ने उसको भेज दिया है, कार होती है, कार में पूरा सामान पैक करते हैं डॉग का, जितनी भी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं वो सब कुछ, एक कार है बहुत बड़ी कार है, उस कार में सब चीज़ें रख दी गई हैं, इतना ज़्यादा सामान है उस डॉग का कि बहुत सारी चीज़ें तो आ ही नहीं पाई, लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, रख दी, सब कुछ सामान पैक कर दिया है, और उसको कहाँ भेज दिया है, होम टू हॉस्पिटल, घर से कहाँ पर, हॉस्पिटल। ट्रिक यहाँ पहुँच गया है, यहाँ वेटरनरी सर्जन है, ये जानवर मतलब एनिमल्स का ही डॉक्टर है ये, अब यहाँ पर डॉग का इलाज करेगा। यहाँ पर पहले से बहुत सारे डॉग हैं, इलाज सिंपल तरीके से किया उसने, क्या किया कि भैया उसने कहा कि इसका इलाज मैं कर दूंगा, आप उसको एडमिट कर जाओ, चले जाओ, मैडम चली जाती है, डॉग यहीं रहता है। अब आपको पता है क्या होगा आगे, कि जो डॉग है ना उसको पता है, डॉक्टर को पता है कि मोटा ज़्यादा हो जाए, इसकी डाइट कंट्रोल करनी, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि भैया क्या करना है, इसकी डाइट को कंट्रोल करना है। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, 2-3 दिन तक उसे भूखा रखा, बस पानी पानी पिलाया, मरने नहीं दिया बेचारे को। कुत्ता धीरे धीरे सूखने लगा, मतलब पतला होने लगा। अब डॉग के लिए कौन कौन सी चीज़ें भेजी मैडम ने, जैसे दो डर्जन यानी 2 डर्जन एग्स, कम से कम 2 दर्जन अंडे, ब्रांडी, कुछ एल्कोहल की बोतल, और इतनी सारी चीज़ें जब उसको भेज दी, चॉकलेट वगैरह वो सब, ये कुत्ता को उन्होंने बिल्कुल नहीं खिलाया, डॉगी को, ये पूरी चीज़ किसने खाई, डॉक्टर और उसके असिस्टेंट ने, यानी उसके साथ वाले व्यक्ति ने। पेपर में आ सकता है कि चॉकलेट वगैरह एग्स वगैरह जो भेजे थे वो किसने खाए, डॉग ने खाए थे या फिर डॉक्टर ने, तो आएगा डॉक्टर ने। ठीक है, और लास्ट में 12 दिन बाद, मतलब 12 या 15 दिन हो जाते हैं, 2 वीक्स, मैडम को फ़ोन करते हैं कि मैडम वो कुत्ता ठीक हो गया, आप आ सकती हो, ले जाओ। तो उसके बाद में मैडम आती हैं, उन्होंने डॉगी को हक किया, और डॉक्टर ने कहा कि मैडम इसकी डाइट को कंट्रोल करो, अब ये सही हो गया है। तब मैडम जब जाती हैं तब उनकी आँखों में आंसू से हैं, और वो दुखी हैं। तब वो जाते टाइम विंडो में से, कार की में से देखती है, और वो कहती है यस डॉक्टर साहब, मिस्टर डॉक्टर, दिस इज़ आर ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, यानी ये उसकी सर्जरी पर एक जीत हो चुकी है, और इसलिए हमारे चैप्टर का नाम यही, और दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑफ दिस चैप्टर, सो इट इज़ वेरी ईजी माई डियर, फॉर CBSE स्टूडेंट्स वी शुड हैव टू गो इन द डेप्थ and we have to do solve the questions of NCERT and value based question and thinking based questions. So in that chapter we have to understand and we have study about at all, like Mistress Pumphrey, she was a rich lady and owner of Tricky, and Tricky was a lazy dog and he was very fatty, and James Harriet was a doctor and he suggested and he gave the suggestion, he had given the suggestion to Mistress Pumphrey to control the diet of his fat, it means his dog, and now the dog has been unable to move and walk because he was unable to eat everything, because
He was so fatty. Then she called the doctor, and doctor will had given the advice to her, and he told to her that you should have to admit the dog in the hospital, and he had cure of the dog within 15 days, and the dog was completely recover his health, and therefore this chapter name is known as A Triumph of Surgery, and this is the complete story and summary about of this chapter. And thank you.